मुझे तो यहाँ पर आके एज आई हैव प्रेजेंटेड आवर प्रोजेक्ट सफारी व्यू हाइट्स, तो हमें तो बड़ा ही अच्छा, हम अगस्त में भी यहाँ पर आए थे दुबई के अंदर, हमने इसको लॉन्च किया था अभी, दैट वाज अ प्री लॉन्च फेस, अभी हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, तो अगेन स्टिल द प्राइसेस आर एट द लॉन्चिंग फेस, लॉन्चिंग प्राइसेस हैं, तो हमें अभी जैसा कि पहले हमें अच्छा वार्म वेलकम मिला, अगेन हमें बड़ा अच्छा वार्म वेलकम मिला है, पीपल हैव रियली शोन मैसिव इंटरेस्ट, शॉप्स में भी अपार्टमेंट्स में भी हम लोगों ने अच्छा इंटरेस्ट शो किया है, और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा ओवरसीज़ कस्टमर है, ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, ओवरसीज़ रेजिडेंट्स हैं जो यहाँ पे रह के कमा रहे हैं, दे रियली वांट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, तो उनको कोई भी क्रेडिबल डेवलपर, क्रेडिबल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो दे वुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दैट, तो मेरा मैसेज अपने डेवलपर भाइयों से भी ये है कि व्हाटएवर दे कमिट दे शुड डिलीवर, और इंशाल्लाह के मकामी होटल में मुनक्किद हुआ एक शानदार इंटरनेशनल रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट शो जिसका एहतमाम ब्लू आर्क डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के रोए रवान यासिन मकसूद और सीनियर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नासिर खान ने किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी बहरिया पिंडी के GM मेंटेनेंस चौधरी शराज सलीम थे। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट शो में इमारात भर से रियल इस्टेट डेवलपर्स, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स और कम्युनिटी मेम्बरान ने शिरकत की और ब्लू आर्क के तैयार होने वाले जदीद प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी का इजहार किया। इस मौके पर CEO ब्लू आर्क ने अपने प्रोजेक्ट सफारी व्यू हाइट्स और दी हिल्टन के हवाले से शुरू का तकरीब को ब्रीफिंग दी, जिसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। CEO यासिर मकसूद ने बताया कि सफारी व्यू हाइट्स वॉल गेटेड सोसाइटी है और ओवरसीज फैमिलीज के लिए तमाम तर सहूलियात से मजीन है। पेमेंट प्लान भी नहायत सादा और ओवरसीज पाकिस्तानीज की रेंज में है। कैमरा टीम के साथ शबाना खान, इमारात न्यूज़, दुबई। वो जो ट्रस्ट है वो हमारा मेन है, वो चीज़ का पार्ट है जिस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये कि आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट न्यू प्रोजेक्ट्स जो डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि फोकस उनका है टू डिलीवर पर, और इन्हीं लोगों के लिए सपोर्ट करने के लिए हमेशा हाजिर है एज अ एरिया एज ऑर्गेनाइजेशन कि नए लोग आए, प्रोजेक्ट डिलीवर करें ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी और पर्यावरण के लिए वो ख़त्म, ऐसे लोग आगे आए और उनको डिलीवर करके ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ संवाद करते हैं। मेरा यही मैसेज है कि कस्टमर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए, कि जब भी वो इन्वेस्ट करें तो अपनी अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें, अपनी वेरिफिकेशंस कर लें कंपनी के बारे में, लैंड्स के बारे में, अप्रूवल्स के बारे में, एंड देन दे मस्ट वंस दे क्लेरिफाई देयर थिंग्स देन दे मस्ट इन्वेस्ट इन द गुड प्रोजेक्ट। सबसे पहले ये बात बार बार हम कहते हैं कि एट एंड हमने जाना है पाकिस्तान, ठीक है, हमें सबके पास बी प्लान होने चाहिए, ठीक है, वी आर नॉट इन द यूरोप और यूके के हमें इनिशिएटिव मिलेगी, ठीक है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे इनको स्पेशली बुलाए, ब्लू आर्क के CEO को, उनके सारे ने अपने रिडक्शन किया, हमारी रीजन ये थी कि जितने किसके कोई भी डाउट्स होंगे कुछ भी क्लियर होंगे, लेकिन यह थैंक्स गॉड अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों का मतलब फीडबैक अच्छा हुआ, काफ़ी लोगों ने इंटरेक्शन किए, तो डेफिनेटली हर बंदे के माइंड में कि एट द एंड हमने तो जाना है, और सबसे इनके जो अच्छा एक तो इनका लोकेशन भी है प्रोजेक्ट के बड़े प्राइम लोकेशन पे, फिर इनकी जो पेमेंट है वो भी बड़ी फ्लेक्सिबल है।